सो दोस्तों, जैसे कि कल के एपिसोड में आपने देखा था, हम पहुंचे थे नागपुर वाया हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि मार्ग से, और अभी हम फिर से वो मार्ग से जाने वाले हैं, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं पुणे बैक। लेकिन बीच में हम जाने वाले हैं एक ज्योतिर्लिंग को कवर करने के लिए, जिसका नाम है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये ज्योतिर्लिंग मेरा भी कवर करने का बाकी है, वैभव का भी बाकी है, तो इस ज्योतिर्लिंग को कवर करेंगे और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी हम पहुंचे हैं ये नागपुर के बाईपास पे 3.1 किलोमीटर के बाद हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महामार्ग समृद्धि महामार्ग जो है वो आने वाला है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द जर्नी। अभी हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट 17 याद रखना, अगर आपको कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना है तो एग्जिट 17 से आपको एग्जिट करना है, और फिर वो एग्जिट करने के बाद हम पकड़ेंगे NH 52, फिर उसके बाद बस अभी 15 किलोमीटर का रास्ता बचा है और हम पहुंच जाएंगे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। हम आ चुके हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप मंदिर का जो व्यू है वो बाहर से देख सकते हो अच्छे तरीके से, अंदर शायद मोबाइल अलाउड नहीं है, जैसे आप देख सकते हो अच्छे से दर्शन कर सकते हो आप। ये है मंदिर कृष्णेश्वर, बहुत ही शांति से बहुत ही मस्त तरीके से दर्शन जो है वो हो गए, और बहुत ही अच्छा मंदिर है यार, बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों, अभी ये जो पुणे है, हम पुणे पहुंच चुके हैं, और अभी पुणे में आप देख सकते हो ये हमारी टोटल जर्नी का डिस्टेंस का है, पुणे टू नागपुर, नागपुर टू पुणे। बीच में कृष्णेश्वर गए थे दर्शन करने के लिए, 1543 मतलब कि 1543 किलोमीटर्स का जो जर्नी है वो हम कर चुके हैं, और एक घंटे में हमने 46 किलोमीटर्स का ऑलमोस्ट डिस्टेंस कवर किया है, और 18.5 मतलब 19 की ऑलमोस्ट 19 की एवरेज आई है, और 18 घंटों का ड्राइव किया है हमने, 18 घंटे और 39 मिनट्स बता रहे हैं, मतलब कि 19 घंटों का ड्राइव किया है टोटल, मतलब लाइक 24 मतलब लाइक 48 आवर्स के अंदर हमने 19 आवर्स तो खाली सिर्फ ड्राइविंग ही किया है, और जबरदस्त वाला ड्राइव, बहुत ही अच्छा हाईवे है, और ये जो मुंबई और नागपुर को कनेक्ट करने वाला ये जो हाईवे है वो बहुत ही जबरदस्त है, आई मस्ट से आप एक बार उसको एक्सपीरियंस करना। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था, बहुत सारी चीज़ें वो ध्यान में रखना, पेट्रोल जो है वो फुल रखना है, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप घूम सकते हो। हम पुणे टू नागपुर, नागपुर टू पुणे जो है वो हमें टोटल 7800 के डीजल के अंदर हमें पड़ गया BMW में, विच इज़ वेरी गुड। हमने 118 का जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखा था, सो उस तरीके से है। तो बस अभी तक इतना ही रखते हैं, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।